प्रधानमंत्री जी। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वें किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में द्वितीय श्वेत क्रांति चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से दो बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मेरी बहन देश के अन्नदाता है। उनकी समृद्धि और सर्वांगीण उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है, जहां सोलर ऊर्जा से जोड़कर हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का अभियान शुरू हुआ। इससे डीजल पर निर्भरता घटी और सिंचाई के लिए दिन में किसानों को बिजली मिलना सुलभ हुआ। प्रधानमंत्री जी के ग्रीन और क्लीन डेवलपमेंट के विजन और नेट जीरो के संकल्प के तहत वर्ष 2030 तक 50% बिजली हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हासिल करने का लक्ष्य है। यह योजना इस संकल्प को भी मजबूती दे रही है। महाराष्ट्र में पीएम कुसुम को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के साथ मिलकर MSKVY 2.0 प्रकल्प 2023 में शुरू किया गया और देश में पहली बार महाराष्ट्र के किसानों के लिए स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई। योजना के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल तथा अन्य डिजिटाइज्ड डेटा इंटीग्रेशन के जरिए पारदर्शी तरीके से केवल 3 महीनों में 40,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। अब तक 9,200 मेगावाट के प्रकल्पों का काम शुरू हो चुका है। साथ ही 4,800 मेगावाट के नए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। इन प्रकल्पों के लिए भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। विजनरी नेतृत्व से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे आते हैं, यह योजना उसकी मिसाल है। इस योजना के कारण बिजली की दर करीब 60% कम हो जाएगी और 8.50 रुपए प्रति यूनिट के बदले केवल 3.08 रुपए प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध होगी। इससे बिजली खरीदने में 10,000 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। बिजली की सहज उपलब्धता के अलावा महाराष्ट्र के किसानों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर 1,25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी भी होगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 50,000 नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व की इस सबसे बड़ी विकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 411 ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास निधि का वितरण तथा प्रथम 5 प्रकल्पों का लोकार्पण किया जा रहा है। बीज, सिंचाई, बीमा से लेकर बाजार तक और साथ ही सोलर तक किसानों के हितों के लिए सरकार ऐसी ही समर्पित प्रयास करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की लाभार्थी बहनों को अपने कर कमलों से चेक वितरण करें। मैं बहनों के नाम लूंगी, वे क्रम से मंच पर आएंगी। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की लाभार्थी बहन सरिता नामदेव जामुनकर। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से चेक वितरण। अगला नाम जयश्री संतोष राव बुंद्रे। बहुत बहुत बधाई। इनके बाद कल्पना रविंद्र कटके। तालियां बजनी चाहिए सभी लाभार्थी बहनों को, बहुत शुभकामनाएं। अगली लाभार्थी रेशमा ग्यासुद्दीन खातिब। के बाद अर्चना अश्वत्थामा चव्हाण। सभी लाभार्थी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके कार्य और आपके विचार हम सभी को सदैव प्रेरणा देते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें।
तथा हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से लाभान्वित करें। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आजेर भव्य सभान संपूर्ण देशेती उपस्थित मार गोर भाई याडी भेना सेन जय सेवालाल, जय सेवालाल। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी शिवराज सिंह चौहान, राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक और यहां दूर दूर से आए हुए बंजारा समाज के मेरे भाई बहन, देश भर के किसान भाई बहन और अन्य सभी महानुभाव, और महाराष्ट्र के मेरे भाइयों और बहनों, मैं वाशिम की इस पावन धरती से पोहरा देवी माता को प्रणाम करता हूं। आज नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। मैं इस मंच से इन दोनों अपने महान संतों को शीश झुका करके नमन करता हूं। आज महान योद्धा और गोंडवाना रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती भी है। पिछले वर्ष देश ने उनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई थी। मैं रानी दुर्गावती को भी नमन करता हूं। साथियों, आज हरियाणा में मतदान भी हो रहा है। मैं हरियाणा के सभी देशभक्त लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति
इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं कि आज जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूं, इन्होंने पहली सरकार के समय जो संकल्पना की और इसने उत्तम तरीके से आज मैंने इसको बना हुआ देखा, मन को बहुत ही संतोष हुआ, आनंद हुआ। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आप तो देखें, आपके परिवार को बाद में समय निकाल करके इसे देखने के लिए जरूर भेजें। मैं अभी पोहरा देवी में बंजारा समुदाय के भी कुछ महानुभावों से मिलकर के आया। इस म्यूजियम के जरिए उनकी विरासत को जो पहचान मिली है उसका संतोष और गर्व का भाव उनके चेहरों पर था। मैं आप सभी को बंजारा विरासत म्यूजियम की बधाई देता हूं। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। हमारे बंजारा समाज ने भारत के सामाजिक जीवन में, भारत की निर्माण यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कला, संस्कृति, आध्यात्म, राष्ट्र रक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में इस समाज के महापुरुषों ने, महान विभूतियों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। राजा लखीशाह बंजारा, उन्होंने विदेशी शासकों के कितने अत्याचार सहे, उन्होंने समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी, संत ईश्वर सिंह बापू जी, संत डॉक्टर रामराव बापू महाराज, संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी, हमारे बंजारा समाज ने ऐसे कितने ही संत दिए जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी। पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों हजारों वर्ष से समुदाय भारत की संस्कृति और परंपराओं को सहजता और संवारता आया है। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस और महाअघाड़ी का आपके प्रति क्या रवैया रहा है। जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाअघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया।
पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरह तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा। भाइयों और बहनों, बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को। विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। साथियों, आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है। और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आज 9200 किसान उत्पाद संघ एफपीओ देश को समर्पित किए गए हैं। अभी कृषि के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे यहाँ महाराष्ट्र में तो किसानों को एनडीए सरकार में डबल फायदा हो रहा है। एकनाथ जी शिंदे की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है। आमचा शेतकऱ्यांना विजेचे बिल मिलत आहेत त्यावर शून्य लिहिलेले आहे ना। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना। दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए। जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहां कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहां आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी।
हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाअघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार्क से कपास किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की असीम क्षमता है। ये तभी होगा जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित सबको आगे बढ़ाने का अभियान मजबूती से चलता रहेगा। मुझे विश्वास है आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। हम सब साथ मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर हमारे किसान साथियों और मेरे बंजारा समाज के सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।